उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड कि सब मतलब हम नहीं कर पाए, और ठीक है अगर आप लोग कन्विंस नहीं है तो हम वापस लेते हैं, कहानी खत्म सर। अगर प्रधानमंत्री देश के किसानों के सामने झुकता है तो इसमें क्या बुरी बात है, इंडियन सिटीजन्स तो हैं सर, इंडियन सिटीजन्स तो हैं, और खुद नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, सेवक कहते हैं सर जो सेवा करता है। देखा छोटा सा क्लिप, मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन कर रहे हैं किसान जो लॉ अभी वापस लिए उसके बारे में। आप आगे पूरा वीडियो देखेंगे, लेकिन आपकी नज़र में ये क्या सही था, किसान जो कानून वापस लिए गए हैं वो सही है, और क्या ये किसान कानून क्या ऐसे ही बना दिए गए थे बिना सोचे समझे कि ये बिल्कुल ही बेफजूल है, ये मतलब किसी काम के नहीं है? डेफिनेटली नहीं, ये मतलब जो बनाए गए होंगे ये बनाए गए होंगे, कोई रिसर्च टीम लगी होगी, किसान वैज्ञानिक लगे होंगे, भारत के जो चारों तरफ भारत के कोने हैं, जो पूरे भारत को मतलब देखते हुए बनाए गए होंगे कि इनसे डेफिनेटली इन फ्यूचर हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, कृषि के क्षेत्र से भी हमें कुछ बहुत ऐसा कुछ मतलब फ़ायदा होगा, और जो किसानों की समस्या है, जो किसान आत्महत्या करते हैं, उन सबको मतलब डेफिनेटली कम करने के लिए ऐसा कुछ कानून बनाया गया होगा। अब इन फ्यूचर अगर फिर से वही प्रॉब्लम आती है, किसान आत्महत्या करेंगे, किसान के वही हालात रहेंगे जो पिछले 70 साल से हैं, तो फिर क्या करोगे? आगे सरकार क्या एक्शन करेगी? चलिए पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में और भी करते हैं कुछ बात। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि ये क्या किसान कानून सही थे या नहीं थे, वापस लेना सही था नहीं था, क्या जीत थी सामने वालों की। प्लीज आंदोलन चल रहे थे ज़्यादा शिद्दत के साथ, अब ज़रा कम हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि हम इन फॉर्म लॉज को रिपील करने की इसलिए बात करते हैं कि लगता है कि हम कन्विंस नहीं कर सके अपने कुछ लोगों को। ये एक बड़े दिल की बात थी। अच्छा, पाकिस्तान में इसको दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो वो उसी तरह के नारे लगाए जा रहे हैं जी कि जय किसान हो गई, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो लिबरल तबका है पाकिस्तान का, वो सोशल मीडिया पे कह रहा है, आर्टिकल लिख रहा है कि ये देखिए कितनी अजीम बात है भारत की कि इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट, इतने वायलेंस के बावजूद कोई आदमी लापता नहीं हुआ, किसी किसान के लापता होने की खबर नहीं है, उनको मकम्मल आज़ादी है। तो एक तो हमें मेरे साहब ये बताइए कि भारत में ये जो किसान फॉर्म लॉज जो थे, इसको जो रिपील करने की बात है, वो आपको कैसे दिखती है, और फिर पाकिस्तान के जो डिफरेंट नेटिव्स हैं उस पर आपकी कमेंट्री क्या बनती है? देखिए साहब, फार्म लॉज जो मोदी जी ने बोला था कि हम शायद अपने किसान भाइयों को कन्विंस नहीं कर पाए और हम ये फार्म लॉज वापस लेते हैं, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने ही अपोलोजाइज एंड ही सेड कि सब मतलब हम नहीं कर पाए, और ठीक है अगर आप लोग कन्विंस नहीं है तो हम वापस लेते हैं, कहानी खत्म सर। अगर प्रधानमंत्री देश के किसानों के सामने झुकता है तो इसमें क्या बुरी बात है, इंडियन सिटीजन्स तो हैं सर, इंडियन सिटीजन्स तो हैं, और खुद नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, सेवक कहते हैं सर जो सेवा करता है, जो खिदमत देता है, तो कहते हैं सबसे बड़ा खिदमत देने वाला मैं हूं, आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, मैं मालिक नहीं हूं देश का। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं देश का मालिक नहीं हूं, मैं देश का सेवक हूं। तो अगर सेवक और जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया, अगर खल्क के सामने, जनता के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है। ठीक है, इसमें राय हो सकती है कि उनको करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, वो बात की बात है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि यू नो मोदी झुक गया, तो किसके सामने झुका मोदी अगर झुका है तो अपने लोगों के सामने, राइट, अपने लोगों के सामने। मोदी किसी आईएमएफ के सामने तो नहीं झुका ना सर, किसी वर्ल्ड बैंक के सामने तो नहीं झुका, किसी चाइना, किसी अमेरिका, किसी सऊदी अरेबिया के सामने तो नहीं झुका ना। अपने भाइयों के झुकने में कैसी शर्म है? अगर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके सामने झुक जाता हूं तो कौन सी शर्म है? दैट्स ऑल राइट। और जो पाकिस्तानी लिबरल्स कह रहे हैं कि कोई गायब नहीं हुआ, ये मैंने सोचा नहीं था, जब आपने मुझे बताया देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ कोई गायब, हमें आदत नहीं है सर लोगों के गायब होने की, यहाँ पे होते नहीं है गायब, तो आई थिंक इट मस्ट बी अ नॉवेल्टी इन पाकिस्तान दैट इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन हाँ सही बात है, कोई गायब नहीं हुआ, कुछ जाने गई लोगों की, देयर वाज सम एक्सपोजर टू कोल्ड और आई थिंक कुछ और भी चीजें हुई थी, कुछ वायलेंस भी हुआ था जिसमें लोगों की जाने गई हैं, कुछ हुआ था, झड़प भी हुई थी जिसमें लोगों की जाने गई हैं, कितनी जाने गई मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन नाउ इट्स ओवर। सरकार ने बोला ठीक है, देखिए मैंने फार्म लॉज पढ़े हैं सर, और मुझे ऐसा लगा है कि फार्म लॉज जो है, आप उसको प्रो मोदी या एंटी मोदी मत देखिए, आप ये देखिए उसको मेरिट पे। हमारे इंडिया में भी एक कमी है लोगों की सर, दिमाग नहीं लगाते, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना, कि अगर ये मोदी के खिलाफ है तो मैं कूद पड़ूंगा कि यू नो कि मुझे
विरोध करना है किसी भी तरीके से, कुछ भी हो जाए। तो मैंने फार्म लॉज पढ़े, मुझे तो ठीक लगे, लेकिन सर मेरी इतनी समझ भी नहीं है फार्म लॉज की, लीगल मैटर्स की मेरी समझ नहीं है, ना मैं फार्मर हूं, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन फार्म लॉज सही है या गलत है, मेरा ओपिनियन इतने सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए इस मामले में कि मेजर गौरवारी ऐसा कुछ सोचते हैं, क्योंकि नीदर एम आई द इंपैक्टेड पार्टी सर, नीदर डू आई हैव नॉलेज। मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे इतनी समझ नहीं है, इतना इल्म नहीं है, इतनी अकल भी नहीं है कि मैं फार्म लॉज समझूं वो अच्छे हैं बुरे हैं, फार्मर्स ने ठीक करा गलत करा, मोदी जी ने ठीक करा गलत करा, हु एम आई टू कमेंट सर, गलत करा ठीक करा। लेकिन अगर किसानों को नहीं पसंद आए या किसानों को ऐसा लगा कि हमारे हक में नहीं है, तो ठीक है सर, इट्स अ डेमोक्रेसी, यहां पे चलता है सर, चार कदम अगर आप आगे लेंगे तो एक आध कदम आपको पीछे भी लेना चाहिए। और इसमें एक और चीज है ना सर, कि अगर हम तरक्की भी कर लें, और ये बहुत बड़ा मैसेज है चाइना को सर, ये चाइना को और पाकिस्तान दोनों देशों को ये जो फार्म लॉज रिपील करें बहुत बड़ा मैसेज है, अगर हम तरक्की भी कर लें और अगर हम अपने भाइयों को साथ में ले जाएं तो तरक्की कैसी है सर, है ना। चाइना तरक्की करता है सर, धंधा आता हुआ तरक्की कर रहा है, पर लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। अगर मैं हूं सर, मेरे पांच भाई हैं और मैंने खूब तरक्की कर दी और मेरे पांचों के पांच मेरे बाकी पांच भाई अगर पीछे छूट गए तो एक कैसी तरक्की सर, ये तो खोखली तरक्की है। तो मुझे लगता है कि ठीक है सर, वी हैव टेकन मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड सर, अगर एक स्टेप पीछे लिया और उससे हमारे छूटे हुए भाई अगर हमसे जुड़ गए, मैं अग्री करूं ना करूं सर, मोदी जी ने सही करा गलत करा, मेरी इतनी समझ भी नहीं है सर, ना किसानों के प्रति ना किसानों के खिलाफ, दोनों तरफ की मेरी समझ नहीं है, राइट। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फार्म लॉज की, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रेड इट, आई एडमिट दैट इट कुड बी शैलो, हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग ही शैलो हो सर, मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड द रिपरकशंस, चाहे मैं उस व्यू से उस विजन से नहीं देख पाता, लेकिन एट द सेम टाइम सर ठीक है, अगर हम कुछ अपने भाइयों को साथ लेके चले तो ठीक है सर, इट्स गुड, डेमोक्रेसी में चलता है, आगे पीछे होता है। जी बहुत अहम बात की आपने। और देखिए मैं सब, जहां पाकिस्तान की लिबरल फोर्सेस रश्क से देख रहे हैं कि भाई भारत में डेमोक्रेसी का प्रोसेस बहुत बढ़िया बहुत आगे है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं, इसी तरह वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को भी बहुत रश्क की निगाह से देख रहे हैं, वो वाजे तौर पर देख रहे हैं कि भारत बहुत लंबे अरसे से और फिर कोविड के बाद एक बार फिर से तरक्कियों की राह पे है, जबकि पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक फ्यूचर नज़र नहीं आता। ये मैं आपको बता रहा हूँ नुक्ता नज़र पाकिस्तान के जो सेंसिबल पढ़े लिखे लोगों का है, वो उसको वाजे तौर पर देख रहे हैं। ये गूंज आपको या ये कंपैरिजन आपको भारत में बैठे हुए भी नज़र आता है? नहीं बिल्कुल, मैं तो पाकिस्तान को तहर साहब बड़ी क्लोजली स्टडी करता हूँ और मैं पाकिस्तान को रोज पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, उनके टीवी प्रोग्राम देखता हूँ सर। और हाँ, ये मैंने भी जो आप कह रहे हैं सच बात है सर, मैंने भी इसको अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। इसमें दो बातें सर, हमारे जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं सर वो ठीक ठाक हैं। क्या हमारी इकोनॉमी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी सेकुलरिज्म परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं सर। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग परफेक्ट हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हो, हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए गड़बड़ा रही है सर क्योंकि उसके फंडामेंटल्स वीक है सर, उसके बेसिक्स कमजोर हैं, उनके एक्सपोर्ट आप देखिए पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ना के बराबर हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान का टैक्स बेस देखिए, बहुत कम है सर, इट्स अ वेरी स्मॉल टैक्स बेस। तो पैसा कहां से कमाएंगे सर, पैसा किस तरीके से कमाएंगे आप, हाउ विल यू अर्न मनी? You cannot earn money because there is no money. आप remittances पे, अच्छा एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान बड़ा रश करता है इस पे कि हमारे billions of dollars के remittances आते हैं। एक्चुअली देखिए सर, ऐसा होता है कि जो हमारे पास भी ऐसे हैं जो लोग हैं जो थोड़ा सेमी स्किल्ड टाइप के लोग हैं जो, और पाकिस्तान में भी है सर, जो टैक्सीज चलाते हैं, जो प्लम्बर्स हैं, जो कारपेंटर्स हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो बेसिक काम करते हैं सर, गल्फ में करते हो, मिडल ईस्ट में करते हो, कनाडा में करते हो, कहीं पर भी करते हो सर, सेमी स्किल्ड लेबर हमारा भी है, पाकिस्तान का भी है। लेकिन पाकिस्तान का और हमारा सेमी स्किल्ड लेबर और हमारे स्किल्ड लेबर में या हमारे जो टॉप लोग जाते हैं उसमें यह फर्क है सर कि अगर कोई इंडियन टैक्सी ड्राइवर है, अगर कोई इंडियन ऐसा काम करता है जिसको आप कायदे से सेमी स्किल्ड कह सकें, या फिर मुझे एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं पता बट ऐसा इतना हाईली पेइंग नहीं है, ये बात भी सच है कि टॉप कंपनीज के सर दुनिया भर में सीईओज जो है इंडियंस हैं, ठीक है सर। तो ऐसी बात नहीं है कि इंडियंस ऐसा काम नहीं करते, इंडियन टैक्सी ड्राइवर गल्फ में नहीं है या इंडियन लेबर नहीं है जो साइट पे काम करता है, जो ईंटें ढो रहा है या जेसीबी चला रहा है, कुछ ऐसा, ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी और सारे के सारे इंडियन सीईओज हैं।
लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बैलेंस है, पाकिस्तान में बैलेंस नहीं है, राइट सर? पाकिस्तान में बैलेंस नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान ने क्या करा है कि सबसे पाकिस्तान ने लड़ाई मोल ली है सर, पाकिस्तान ने सबसे लड़ाई मोल ली है। सऊदी को आके दिखा दी, अमेरिका को आके दिखा दी, आपने यूरोप को आके दिखा दी। लगता है किसान कानून जो है वो वापस लिए गए हैं। मैं छोटा मोटा किसान हूं और कोई किसान का इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ तो समझता हूं कि ये जो किसान कानून बनाए गए होंगे कि किसान विशेषज्ञों के द्वारा बनाए गए होंगे और कुछ रिसर्च की गई होगी और कुछ फ्यूचर प्लान रहे होंगे और कुछ जो किसानों को मतलब जो पिछले 70 साल में जो समस्याएं हैं उनको हटाने के लिए, ग्रो करने के लिए, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया गया होगा। किसान कानून किसी ऐरे गहरे ने ऐसे 5 मिनट में आकर ये लो ये बनाना है, ये किसान कानून आज से लागू है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, ये तो आप समझ सकते हो। और ना किसी मंत्री ना किसी नेता ने ये किसान कानून बनाए होंगे। जो भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं वो अभी आपको पता है कि कौन बनाता है, एक प्रॉपर टीम रिसर्च और उस चीज़ के विशेषज्ञ और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो भी इन फ्यूचर हमें फायदे घाटे होंगे वो सब डेफिनेटली पहले उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये कानून बनाए जाते हैं। अब इसके सामने जो विरोध करने वाले लोग थे, आपको भी पता है कि ज़्यादातर किसान इसमें नॉर्थ के ही थे, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, और यहीं के लोग ज़्यादा थे। और अगर आप देखें तो भारत के बाकी किसान भी मतलब इस कानून में उतना ज़्यादा विरोध नहीं दिखा। अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, MP, UP का जो निचला हिस्सा है, बिहार, साउथ ईस्ट, यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा विरोध नहीं दिखा। अब मेरे ज्ञान में कुछ वृद्धि कर सकते हो, अब तो कानून वापस हो गए हैं और जो लोग किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो भी बड़े खुश हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों का एक अलग एजेंडा था, उन्होंने ये हाईजैक करने की कोशिश की और आप देख सकते हो क्या हुआ। अब किसान कानून तो गए, अब इन फ्यूचर अगर कुछ किसानों की प्रॉब्लम होती है, किसान उसी तरीके से आत्महत्या करते हैं, उसी तरीके से वो कहते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें कुछ ये नहीं हो रहा और वो ये वो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो फिर क्या सरकार फिर कोई कानून लाने की कोशिश करेगी? फिर वो कुछ लोगों को कानून पसंद नहीं आएंगे लेकिन उससे ज़्यादातर किसानों के फ़ायदे होंगे, तो होगा क्या? यही होगा। तो डेफिनेटली इन इंडिया डेमोक्रेसी लोगों का हक है आंदोलन करना, उन्होंने आंदोलन किया। अब आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक पर स्पेशली अपनी राय दें। और इसको लेकर जो दूसरे आंदोलन थे, शाहीन बाग, धारा 370, इसको लेकर भी जो बातें हो रही हैं उस पर भी अपनी